उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं। उत्तराखंड और नेपाल में बारिश होने के बाद यमुना और गंगा से जब नदियां मिलती हैं तो भयंकर बाढ़ का स्वरूप लेती हैं। इससे किसानों को हानि ना हो, किसी प्रकार की जनहानि ना हो, हम इसका प्रयास करते हैं। कई परियोजनाओं पर इसको लेकर पूरे पूर्वांचल में काम भी हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड और नेपाल, उत्तराखंड में बारिश होने के बाद यमुना और हमारी गंगा नदी और ऐसे पंचनदा, मतलब जब नदियाँ मिलती हैं सब आपस में तो भयंकर बाढ़ का एक स्वरूप लेती हैं। इसी तरह नेपाल में जब बारिश होता है तो राप्ती है, गंडक है, सरयू है और ये सब नदियाँ, बूढ़ी राप्ती है, ये सभी नदियों में एक भूचाल आता है। तो ये सभी परियोजनाएँ कि किसानों का हानि ना हो, जनहानि ना हो, धन हानि हो तो न्यूनतम हो, न्यूनतम भी ना हो इसका भी हम लोग प्रयास करते हैं। इसी का परिणाम है कि आप अभी देखिए हमारे साथ बाढ़ की जितनी हमारी परियोजना 238 चल रही हैं, मतलब बड़ी परियोजना चल रही हैं जिसमें हमारी सभी परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। लगभग आज के डेट में पूर्ण होने परियोजना, कुछ परियोजनाएं 100% पूरी हो गई हैं, कुछ परियोजनाएं हमारी 90% पूरी हो चुकी है, कुछ परियोजनाएं हमारी 75 के ऊपर है, यानी बाढ़ से सुरक्षित हम। तो मैं कह सकता हूं कि पूरा ये जो हमारा पूर्वांचल है, देवीपाटन मंडल, अयोध्या मंडल, बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल और हमारा आजमगढ़ मंडल, ये बलिया से लेकर बलिया मऊ आजमगढ़ और इधर चलेंगे देवरिया, कुशीनगर, आपका महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, खलीलाबाद, इस क्षेत्र में और अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, ये सभी जनपदों, बहराई के सभी जनपदों में हमारी बाढ़ की परियोजना चली और अधिकारी कर्मचारी नीचे तक है। मैं पूरा प्रयास करूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार समीक्षा कर चुके हैं, जिले स्तर पर जिलाधिकारी भी समीक्षा कर चुके हैं, बाढ़ से संबंधित हर प्रकार का जो बिंदु है सभी पर चर्चा हो चुकी है और सभी हमारी तैयारी है। और ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि माँ हम सब पर आशीर्वाद बनाए रहे, किसी प्रकार का नुकसान न हो और जन धन हानि न होने पावे, इसके लिए हम लोग रात दिन परिश्रम।